खाचरोद स्थित बाबा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण स्थित तालाब की वर्तमान तक स्थिति जस की तस है। इस विषय को लेकर नागदा टाइम्स ने जब नगर पालिका व सांसद प्रतिनिधि अनिल शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि विगत दिनों पूर्व नगर पालिका परिषद की हुई बैठक में तालाब सफाई को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं SDM को भी लिखित में सफाई हेतु आवेदन दिया गया है, जिसको लेकर जल्द ही तालाब की सफाई का कार्य शुरू करवाया जाएगा। खाचरोद का नीलकंठेश्वर मंदिर महादेव का ये जो तालाब है, खाचरोद का एक गौरव है और खाचरोद के गौरव के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समरसता का प्रतीक भी है। वहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और योगा जी की स्थान भी है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा स्थल है और निश्चित रूप से वो अभी जितना साफ चाहिए उतना साफ नहीं है। उसके लिए नगर पालिका की ओर से कर्मचारी द्वारा सफाई करवाई गई, लेकिन वो क्योंकि प्रशिक्षित तैराक नहीं है इसलिए वो प्रॉपर कर नहीं पाया था कुछ रिस्क के फैक्टर के कारण। तो हमने प्रयास किया, इसमें हमने माननीय SDM साहब को पत्र के माध्यम से नगर पालिका ने अनुरोध भी किया था कोई उज्जैन से प्रशिक्षित मिल पाए, तो उस समय क्या उज्जैन में भी वो उपलब्ध नहीं हो पाए थे। अभी फिर नगर पालिका ने 15 तारीख को प्रस्ताव पास किया है, उसकी सफाई के लिए जो भी होगा तो ठेके पर टेंडर जारी करके कोई ठेकेदार काम करता होगा तो उसको देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। उसकी प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रक्रिया को में थोड़ा समय लगता है, तो उस प्रक्रिया को करके उसको सफाई करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से जल्दी ही प्रारंभ की जाएगी। और अब उसमें थोड़ा सा क्या है कि सफाई के बाद भी आसपास के लोग उस पर निरंतर दिन में कचरा डालते हैं, वो कचरा उड़ के तालाब में चलता है, तो आवश्यकता इस बात की भी है कि उसको तालाब की दीवारों को ऊंची की जाए और जो पानी उसमें गंदा नहीं मिले इसको रोकने के लिए प्रयास किया। तो एक तो ये बात है कि उसमें कुछ मकान जो है तालाब के बीच में बरसों से बने हुए हैं, उनको वहाँ पट्टे दिए गए थे और वो पट्टे वाले लोग वहीं बने हुए हैं, तो उनके आउटलेट भी आ रही है, उसको लिए प्रशासन से बात की के उनके उसका भी कोई हल निकाला जाएगा। और अभी जो आसपास के जो रहवासी क्षेत्र के कुछ लोग थे उनको भी नोटिस दिए गए हैं कि इसमें आपका जो नहाने धोने का पानी इसमें नहीं आए और उस क्षेत्र में अगर नाली वगैरह की जरूरत होगी तो हम उसको बाहर नाली रोड की नाली से मिलाने के लिए हमने उनको कहा है। तो ये तालाब और केमिकल्स वगैरह या जो भी जरूरत होगी इसके लिए केमिकल्स के लिए भी नगर पालिका ने PHC के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी थी, माननीय SDM साहब के माध्यम से भी उन्होंने भी बात करी थी कि इसमें पानी पोल्यूटेड नहीं हो और मछलियाँ वगैरह सुरक्षित रहे इसके लिए। और क्या है कि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और इसमें सक्षम जो अधिकारी जो विशेषज्ञ होते हैं वो ही अगर कोई सहयोग करें तो उसके लिए वे नगर पालिका उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और जहाँ तक आपका महादेव मंदिर जीर्णोद्धार के लिए अभी माननीय विधायक जी के प्रयासों से और धर्मस्व विभाग की ओर से 20 लाख रुपए जीर्णोद्धार के लिए प्राप्त हुए, तो वो एक्चुअली जीर्णोद्धार मंदिर का ही होना है। बहुत लोग यहाँ थोड़े कन्फ्यूज थे, नगर पालिका उसमें जो सहयोग बनेगा वो करती है, ये काम किसी भी चाहे राजस्व का मामला हो नगर पालिका उसको सहयोग करती है, लेकिन होता क्या होता है कि सारे लोग नगर पालिका के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि जो एक्चुअल काम अब ये जो 20 लाख रुपए आए हैं ये कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसकी कार्य योजना स्वीकृत होगी और ये हाउसिंग बोर्ड को उसकी एजेंसी बनाया गया है, लेकिन नगर पालिका या जनप्रतिनिधि लोग और हम मंदिर समिति या जो वहां धर्मानु लोग जो आते हैं उनसे परामर्श करके माननीय विधायक जी और हम सब मिलकर प्रशासन के अधिकारी मिलकर वहां स्पॉट देखकर वहां निर्णय लेंगे कि इस 20 लाख रुपए की राशि को कैसे उपयोगी बनाया जाए। इससे और यद्य भी हमने विधायक साहब से यह अनुरोध भी किया है कि 20 लाख रुपए की राशि जीर्णोद्धार के लिए कम पड़ेगी, तो उन्होंने कहा फिलहाल इसकी तो कार्य योजना बनाए, अपन उसके अलावा भी राशि की जरूरत होगी तो और शासन से लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी
इसमें ड्राइव बनाने आएंगे, उनके उनके साथ और लोगों के साथ मिलकर इसका जीर्णोद्धार का एक प्लान बनाया जाएगा, उसकी ड्राइंग बनाई जाएगी। और निश्चित रूप से ये पैसा केवल तालाब सौंदर्यीकरण में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने भी मुझे बताया है। हमने नगर पालिका की ओर से तालाब सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव ऊपर भेज रखा, प्रस्ताव नगर पालिका ने प्राप्त कर रखा उसका संकल्प, और वो राशि स्वीकृति के लिए भोपाल भेजी गई है, पर वहाँ बजट का अभाव बताते हुए वो योजना स्वीकृत नहीं की हुई। उसको नरे सिरे से मुख्यमंत्री जी को उसके संबंध में हमने पत्र लिखा है। तो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये राजस्व का मामला है, हम चाहते हैं कि ये तालाब नगर का गौरव है और नगर पालिका इसमें किसी भी विभाग को जो सहयोग मिल सकता है तो देने को तत्पर है। तो मैं निश्चित रूप से इस बारे में चिंतित हूँ और आपकी जो पहल है, पहले भी आपने पहल करी, लोगों से भी आह्वान किया है, मेरे पास भी लोग मिलने आए थे क्योंकि मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, उसके अलावा मैं वहाँ का लगभग और पुराना भक्त हूँ और कम से कम श्रावण मास में मैं विशेष रूप से वहाँ जुड़ा रहता हूँ, तो उन लोगों की मुझसे भी बहुत अपेक्षा है, मैंने उनके बैठकर बात भी करी है। तो वो टीम भी अगर करती है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि कल से कोई घटना हो जाए तो उसको कौन देखेगा, थोड़ी सी ये दिक्कत के कारण ही तो लोग भी सहयोग के लिए तैयार हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपने आह्वान किया था कि इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए, उस पहल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार की जो धरोहर है खासरूत की, और किसी भी विभाग के कारण उनका हम मतलब ठीक ढंग से उनको रख नहीं पा रहे हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करना, इस पहल का भी मैं स्वागत करता हूं। चाहे वो हमारे लिए भी ऐसा लगता होगा कि हमारी कमी को दिखाया जा रहा है, तो पर आपने मैं तो जैसे कहता ही हूं कि मीडिया एक आईना है, और हमें अपना आईना अगर दिखाया जा रहा है